कोरोना काल के बीच इस सप्ताह से मांगलिक कार्यों और शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। बीते महीने 15 दिसंबर से शुरू हुआ मलमास 14 जनवरी के बाद खत्म हो चुका है। मलमास के खत्म होते ही विवाह कार्य, गृह प्रवेश, नींव, मुहूर्त सहित अन्य शुभ काम शुरू हो जाएंगे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शादी समारोह में 50 मेहमानों की अनुमति के चलते कार्यक्रम फीके नजर आ रहे हैं। हालांकि 20 जनवरी को जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक 24 जनवरी से 100 मेहमानों की अनुमति होने से हल्की राहत लोगों को मिली है। चौबीस फरवरी से 25 मार्च तक गुरु अस्त रहेगा, साथ ही 25 मार्च को सूर्य मीन राशि में आ जाएगा और 15 अप्रैल तक रहेगा जो मलमास रहेगा, इसलिए 15 अप्रैल तक विवाह मुहूर्त नहीं होंगे 24 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच में, लेकिन 15 अप्रैल के बाद में फिर विवाह मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं और जुलाई तक वो विवाह मुहूर्त रहेंगे।